नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी की सूची जारी की है। धार्मिक आजादी का आकलन करने वाले एक अमरीकी पैनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन ने भारत का नाम सूची में शामिल नहीं किया। इस सूची में पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, एरिट्रिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा सहित 10 देशों को शामिल किया गया है। हर साल अमेरिका ऐसे देशों और संगठनों की लिस्ट जारी करता है जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारगुआ को विशेष निगरानी सूची में रखा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद सीपीसी लिस्ट में भारत को शामिल नहीं करने पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने का आग्रह किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और बढ़ गई है। ये सूची जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका हर देश में धर्म की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पाया है कि दुनिया भर में बहुत से देशों में सरकारें लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने के कारण परेशान, गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है। आपको बता दें कि साल 2020 में धार्मिक आजादी के आकलन के बाद सीपीसी सूची के लिए 4 देशों के नाम विदेश मंत्रालय को सुझाए गए थे, जिनमें भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं, लेकिन रूस को छोड़कर इनमें से किसी देश को सूची में शामिल नहीं किया गया। आयोग ने भारत को लेकर जिन बिंदुओं पर चिंता जताई थी उनमें नागरिकता संशोधन कानून सबसे अहम था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हिंदू भीड़ को क्लीन चिट दी गई और मुस्लिम लोगों पर अति बल प्रयोग किया गया। हालांकि आयोग की सिफारिश मानने के लिए अमरीकी प्रशासन बाध्य नहीं होता है। ट्रंप प्रशासन ने भी पिछले साल भारत को सीपीसी सूची में शामिल करने के आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था। इसी तरह इस बार बाइडेन प्रशासन ने भी भारत को इस सूची से बाहर रखा है और इसे भारत की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।